हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे सकुलेंट प्लांट्स के बारे में। और अक्सर सभी को पता है कि जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, और इनके लिए स्पेशल सॉइल बनाना पड़ता है, सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है। और लेकिन गाइस, कुछ ऐसे हार्डी सकुलेंट प्लांट्स भी होते हैं जो नॉर्मल सॉइल में भी अच्छे से सरवाइव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये इचीवेरिया का बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और मैंने इसे नॉर्मल सॉइल में ही लगाया है। इसके लिए मैंने स्पेशल कोई सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया, तो सिंपल गार्डन सॉइल में ही ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी इसका काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये देखिए, इसी पॉट में ये छोटे छोटे इसके जो लीफ हैं वो गिर जाते हैं और उससे ये न्यू बेबी प्लांट्स जो हैं वो अराइज हो जाते हैं। और इसी पॉट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंड, ये देखिए ये भी सकुलेंट की वैरायटी है और ये भी बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करने वाला। ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट इस पॉट में भी बन गए हैं। जो मदर ऑफ थाउजेंड का ये प्लांट है, ये देखिए, और इसके लीव्स में भी देखिए आप छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं। तो गाइस, ये नॉर्मल सॉइल में भी इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और फास्ट मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो आज मैंने इन्हीं पौधों के बारे में बात करना था कि जो सकुलेंट्स हमारे नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी चल जाते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं और दे नीड्स वेरी लो केयर एंड मेंटेनेंस। तो गाइस, ये तो नंबर वन पे हो गया जो इचिवेरिया, और नंबर टू पे ये है मदर ऑफ थाउजेंड। और आगे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये भी सकुलेंट की वैरायटी है गाइस। इसे बोलते हैं मार्नियर्स जो है क्लेंचो। और ये भी देखिए, ये सारा जो पॉट है भरा हुआ है इसके साथ। देखिए, मेरा बहुत ही पुराना ये प्लांटर है और ये कोई 10 साल पुराना होगा। यहाँ पे बहुत सारे, देखिए कितने सारे हेल्दी प्लांट्स हैं। और यहाँ पे ये देखिए ऊपर, ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत ही अच्छे ये पुराने मेरे प्लांटर्स हैं। तो मैंने इसको भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाया हुआ है। ये देखिए कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए कितनी ब्रांचेस इसकी नीचे भी गई हुई हैं। तो ये है नंबर थर्ड पे हमारा ये प्लांट, ये भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है गाइस। और नंबर फोर पे ये देखिए बेबी सनरोज, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये भी काफ़ी सालों से है मेरे पास। तो गाइस, ये भी एक बहुत ही हार्डी परमानेंट सकुलेंट प्लांट है और इसे भी आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं। इसके लिए भी मैंने कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और गाइस, नंबर फाइव पे है ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा प्लांट और ये भी क्लेंचो की वैरायटी है गाइस। कितने खूबसूरत फ्लावर्स बंचेस हैं और देखिए पूरा पॉट भरा हुआ है। ये देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और गाइस, ये जो प्लांट है बहुत ही हार्डी वैरायटी का है और इसके लीव्स भी देखिए आप कितने ब्रॉड हैं। क्लेंचो की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसे भी आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। ये देखिए बहुत ही पुराना ये मेरा प्लांटर है और इसे भी मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाया हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा है, देखिए पूरा प्लांटर ही बड़ा हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस, नंबर सिक्स पे ये जेड प्लांट आता है, ये भी बहुत ही हार्डी सकुलेंट है, इसे भी आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि सकुलेंट्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे खूबसूरत से परमानेंट प्लांट होते हैं और काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है। लेकिन जो आज मैंने 6 आपको
सकुलेंट्स बताए हैं, इनको आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना है जेड प्लांट, और अभी इसकी मैंने कटिंग करनी थी तो मैं नहीं कर पाई थी, कुछ टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि हम लोग वर्किंग वूमेन हैं तो हमारे पास टाइम कम रहता है। तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट है मेरा, ग्रो कर रहा है, इसे मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगाया था। तो गाइस, अगर आप भी शौकीन हैं सकुलेंट्स के और आप डरते हैं कि हम इनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल बनाना पड़ेगा, तो इसी डर के कारण कई लोग सकुलेंट्स को नहीं ऐड करते अपने गार्डन में। तो ये जो सकुलेंट्स मैंने बताए हैं आपको, इन्हें आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे, हार्डी और परमानेंट प्लांट्स हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।